नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ जुयाल। स्वागत करता हूं रियलिटी मीडिया के शो पर। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो बड़े खास मेंबर हैं, मिस्टर हरिंदर ढिल्लो जी। सर, वेलकम टू आवर शो। तो सर, आप हमें बताइए, पिछले जो ट्रेंड्स चले हैं पिछले आपने 10 साल में, सर आपने क्या क्या चीजें नोटिफाई करी है सर रियल स्टेट में जो इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत बड़ा सप्लाई डिमांड का गैप है हाउसिंग का और कमर्शियल स्पेसेस का, तो वो हमेशा रहेगा। तो रियल एस्टेट इंडिया के हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट मैक्सिमम कर रही है कंट्री के अंदर, तो वो रियल एस्टेट ही है। और हर इंडस्ट्री के हिसाब से जितना एक बूम और रिसेशन का पीरियड आता है, एक ग्रोथ और रिसेशन का पीरियड आता है, वैसा ही हाल रियल एस्टेट के अंदर भी रहता है। तो कभी आपकी रेट्स और प्रॉपर्टी की सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और कभी एक स्टेबिलिटी का दौर आता है, और कभी आपकी प्राइसेस के अंदर गिरावट भी आती है, सेल्स की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ भी और आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री के ऊपर भी। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करती हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। तो अगर पिछले दस सालों का देखें तो तकरीबन 2 रिसेशन आए हैं, और जो करंट रिसेशन जो कि ज़्यादातर हम जिस दौर से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट एक ग्रोथ का मोमेंटम अब शुरू होगा, और अब हमें ट्रांजेक्शन भी अच्छी दिखनी शुरू हो गई हैं एटलीस्ट DLF के अंदर। तो ये एक अच्छा है कि एक स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अदरवाइज क्या है, कॉमन मैन की रीच से भी ये अल्टीमेटली हम मकान बना तो हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए रहेंगे, तो अगर उस पब्लिक की परचेजिंग पावर के हिसाब से हम चीज दें तो वो हमेशा उसके अंदर एक ग्रोथ रहेगी। सो जिस लिहाज से एक परचेजिंग पावर की ग्रोथ हुई है इंडिया में, उसके हिसाब से और जितना एक्सपोजर लोगों को मिला है, जो चीज हम लग्जरी मानते थे आज से 10 साल पहले, वो आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आज लग्जरी का जो डेफिनेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है। सो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है, और उस हिसाब से ही आप उसको कैटर कर सकते हो मार्केट को। तो आपको क्या लगता है, मतलब रियल एस्टेट अभी आगे जाके, अभी जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद ये सारा रिसेशन आया था, तो अब आगे जाके ये कितना बूम कर सकता है? नहीं, अब बहुत जरूरी है एक चीज को समझना कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन होने वाली, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो डेवलपर्स एक ट्रस्ट लेके चल रहे हैं, एक रिलायबिलिटी का फैक्टर लेके चल रहे हैं, और जिनकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, डिलीवरीज अच्छी दी हैं, और आज की डेट में भी करंट में आप उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छी रफ्तार देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, उन डेवलपर्स को तो बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग आज की डेट में इंक्वायरीज आ रही हैं। और ये DLF के लिए तो बहुत ज्यादा खास मैं कहूंगा, क्योंकि DLF एक ऐसा डेवलपर है जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जब आप एक DLF की प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास 2 बातें क्लियर हो जाती हैं, एक आपको अपना मकान या दुकान या ऑफिस स्पेस डेफिनेटली मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, जिस क्वालिटी के लिए प्रॉमिस किया गया है उससे बेहतर ही मिलेगा, उससे कम कभी नहीं मिलेगा। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं, और साथ में ना सिर्फ वो, उसके बाद का जो रखरखाव है, जो मेंटेनेंस है, अपकीप है, और ओवरऑल हैबिटेशन के लिए पुश है, वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर से ही मिल सकता है। तो जो आने वाला वक्त है और जो वर्तमान का भी वक्त है, उसमें उन डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, जिनके ऊपर एक ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और जिनकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है इस दौर से। इनफैक्ट अब तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं, पर जितना मैं अगर पिछले 2 साल की बात करूं तो एक बहुत सीवियर रिसेशन रहा है, उसमें भी इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये एक और इशारा है कि आने वाले समय के अंदर सिर्फ वही डेवलपर्स आगे जाएंगे जिनके पास ये सब चीजें हैं। ओके, और सर अभी आपको भी पता होगा सर, एक रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है जिसमें एक रेगुलेटरी बॉडी अभी तक शामिल नहीं हुई। तो अभी जो गवर्नमेंट रेरा एक्ट लेकर आ रही है सर, तो आपको लगता है कि कुछ मदद कर पाएगा रियल एस्टेट? बहुत जरूरी था। अगर आप कस्टमर्स के एंगल से देखें तो एक आदमी अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई लगाता है मकान खरीदने के लिए, और अगर उसको वो मकान टाइम पे ना मिले या उसका एरिया
के साथ छेड़छाड़ हो, या उसको जो जो चीजें कमिट की गई वो ना मिले या टाइम पे ना मिले, तो वो उसको उसका आज की डेट में हालांकि नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर रिड्रेसल होता है, बट वो बहुत लॉन्ग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें कई बार जस्टिस डिले भी हो जाता है और कई बार जस्टिस नहीं भी मिलता। तो वो सारी चीजों को देखते हुए और कस्टमर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और कस्टमर्स का जो भरोसा है सिस्टम में और कस्टमर्स का जो भरोसा है ओवरऑल एक जो हमारे प्रोसीजर है और जो ओवरऑल हमारा सेक्टर है, ये सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस एक्ट के साथ वो डेवलपर्स जिन्होंने इंडस्ट्री को कुछ हद तक बदनाम किया वो लोगों की छटाई हो जाएगी और वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे और वही सिर्फ डेवलपर्स आगे चल सकते हैं अब, जो कि टाइम पर डिलीवरी दें, क्वालिटी मेंटेन करें और ऑनेस्टली काम करें, चाहे वो एरियाज की बात हम करें या एडवर्टाइजमेंट्स कई बार मिसलीडिंग होते हैं उसकी उसके ऊपर एक करेक्शन हो और जो एरियाज कमिट किए गए हैं प्लस वो कारपेट एरिया के ऊपर एक्चुअल जो अभी हुई है पहल, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो रेरा इज वेरी गुड उन डेवलपर्स के लिए जो कि एक ऑलरेडी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर जो ये नया बजट आया है तो इससे कितना फायदा है सर एक आम आदमी की, अगर हम बात करें इसको कितना फायदा मिल पाएगा सर नए बजट से? अगर आप देखो तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, तो इनफैक्ट जो एक्चुअल ज़रूरत है आम आदमी की कि उसको एक अफोर्डेबल हाउस दिया जाए वो उसके लिए और ज़्यादा रफ्तार आएगी, क्योंकि डेवलपर्स को जितना बेनिफिट मिलेगा टैक्सेशन का क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है और भी जो बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे सहूलतें मिलेंगी उसके लिए डेवलपर्स खुद ही अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात जो कैपिटल गेन्स के ऊपर इन्होंने 3 साल से 2 साल की विंडो कर दी उससे लिक्विडिटी वापस मार्केट के अंदर आएगी जो बहुत जरूरी है, जो कि मार्केट से इवेपोरेट हो चुकी थी। तो ये दो बहुत अच्छे इन्होंने कार्य करे। बाकी तीसरा अगर आप देखो तो होम लोन के रेट्स भी कुछ हद तक कम आए हैं और हमें उम्मीद है कि और भी कम आएंगे, उससे और भी ज्यादा बेनिफिट ओवरऑल इंडस्ट्री को मिलेगा। ओके सर, डीएलएफ के आप थोड़े फ्यूचर अगर प्लान्स बता सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कितनी फीजिबल है टारगेटेड मार्केट के लिए वो खरीदना, तो इन सब में थोड़ा बता सकते हैं? डीएलएफ की सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है न्यू गुड़गांव की और ये जो सदर्न पेरिफेरी रोड वाला एरिया है, तो एक ओवरऑल न्यू गुड़गांव का अगर हम बेल्ट देखें 73 सेक्टर से लेके 95 सेक्टर तक, तो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग डीएलएफ की है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हों, कमर्शियल स्पेसेस हों, साइबर सिटी 2 हो, रिटेल हो। तो डीएलएफ सिर्फ एक मैज एक डेवलपर नहीं है, तो वो एक ओवरऑल हैबिटेशन के ऊपर बड़ा फोकस रहता है और जो लोग वहाँ पे रिहायश करने जा रहे हैं क्या उनके लिए एडिक्वेट सड़कें हैं, क्या उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था है, क्या उनके पास वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं हैं, मिल्क बूथ की सुविधाएं हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या नहीं है, स्कूल्स हैं या नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, ये सब चीज़ों के को एक एकत्रित करना भी डीएलएफ अपनी एक डेवलपमेंट के प्लान्स में रखता है ताकि एक ओवरऑल हैबिटेबल सिटी क्रिएट की जाए, और वही पहले गुड़गांव में किया गया अब न्यू गुड़गांव के अंदर चल रहा है। हालांकि डीएलएफ अभी भी गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी आने हैं और वहां पे भी अगर आप देखो तो जो गेटवे टावर से जो रोड गोल्फ कोर्स की तरफ जा रही है उसके ऊपर अभी अंडरपासेस बनाए गए हैं और वो आप अभी अगले 1 महीने से 2 महीने के अंदर ही देखेंगे कि वो किस तरीके से उस पूरे रोड को डीकंजेस्ट कर दिया गया है और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की वहां पे रोड नेटवर्क बनाया गया है विद रैपिड मेट्रो ऑल्सो। तो ये सब काम एक आम डेवलपर नहीं कर सकता, वो केवल एक डीएलएफ जैसा बड़ी एंटिटी ही कर सकती है जो कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझती है इन सब चीजों के प्रति। तो ये गोल्फ कोर्स रोड एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसके। जी जी, उस तरीके की रोड मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी एज ए इंटरनल सिटी रोड जो कि वो डेवलप हो रही है। राइट सर, सो ठीक है। और सर जैसे अब आपने बताया कि डीएलएफ अगर पूरा हैबिटेट को फोकस कर रहे हैं तो सर बहुत सारी दिक्कतें भी आती होगी बीच में, तो सर मतलब आपकी जो ये डिलीवरेंस है 100% रहती है, तो सर उसमें आप कुछ बोलना चाहिए कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि डीएलएफ ने एक बड़ा प्रोफेशनल तरीके से अपने सेटअप्स क्रिएट किए हैं, तो हैबिटेशन के ग्रुप भी है,
एस्टेट एजेंसीज भी हैं, एस्टेट मैनेजर भी हैं, और एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल नेटवर्क किया है जिसके साथ गवर्नमेंट से लाइजनिंग की जाए। अगर पोस्ट ऑफिस लाना है तो पोस्ट ऑफिस वालों के साथ टेकअप किया जाए, रोड्स लानी है तो हुडा के साथ नेटवर्किंग करके लाई जाए। अल्टीमेटली जब तक आप एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड गवर्नमेंट के साथ नहीं रखेंगे तब तक भी आगे काम नहीं होंगे आपके। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और साथ में आपके क्लाइंट्स अगर खुश हों, अगर आपके कस्टमर्स खुश हों, अगर आपने उनको रिटर्न्स दिया हो, पर मोर देन रिटर्न्स अगर आपने उनको एक अच्छी टाउनशिप दी है उनकी फैमिली के लिए ग्रो करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी वो है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो अगर आपने ये सब चीजें की हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी, और वही डीएलएफ को मिला है। सर आपको क्या लगता है, जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस होगी आगे, फ्यूचर प्लान्स अगर आप बनाते हैं तो सर आप क्या क्या चीजें उनमें सोचते हैं कि कुछ कुछ चीजें क्या होनी चाहिए उसमें? सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि होम लोन के रेट्स जो है वो जरूरी है कि रिजर्व बैंक कम से कम 150 बेसिस पॉइंट्स और कम लाए। साढ़े तकरीबन 7% तक का भी एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आज की डेट में इतनी अनसर्टेंटी है जॉब मार्केट के अंदर, ओवरऑल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, कि लोग ये चाहते हैं कि एक सिक्योर मकान सबसे पहले उनकी ज़रूरत होती है, ताकि उनका जो किराया हर महीने जाता है कम से कम उसकी बचत हो। अगर आउटफ्लो होना है तो एक ईएमआई का आउटफ्लो हो जो कि उनके एक एसेट क्रिएशन के काम आए। लेकिन क्योंकि होम लोन के रेट अभी उस लेवल तक कम नहीं हुए जिसके ऊपर वो परचेज डिसीजन ले पाए, तो डेफिनेटली अगर सरकार 150 से 200 बेसिस पॉइंट यानी 1.5 से 2% का और गिरावट होम लोन के रेट में आती है तो वो एक बहुत कंक्रीट स्टेप होगा ये अपने जो सेल्स हैं उसको पिकअप करने के लिए, और साथ में एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर एंड यूजर्स ही जो है वो होम लोन लेते हैं, तो जिन लोगों को मकान की एक्चुअल जरूरत है उनको बेनिफिट होगा इस चीज से, जो बहुत जरूरी है। दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा ना सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग बट ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर को मिलना बड़ा जरूरी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को की तो पहल हमने करी, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि 50 लाख के ऊपर के मकानों को भी लेने की क्षमता रखता है और जिनकी एस्पिरेशंस उस लेवल की हैं, हम उस सेगमेंट को पूरी तरह पीनलाइज नहीं कर सकते। तो उस सेगमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन सबसे वहां पे आ रही है। तो जब आपने एक पहल कर दी और अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बेनिफिट दिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का, आप इस सेक्टर को भी दीजिए। हाँ, उसके ऊपर एक कैप लगा दीजिए कि अल्ट्रा रिच सेगमेंट जो है वहां तक ना जाए, बट एक कम से कम जो अपर मिडिल क्लास के दायरे तक जो चीज आती है, जो आज की डेट में 50 लाख के अंदर वो अपर मिडिल क्लास नहीं आता, इवन मिडिल क्लास के लोग जो है वो भी आराम से 1 से 1.5 करोड़ की रेंज की चीज, जो कि वो चाहते हैं कि जिसके अंदर सबसे बेस्ट फैसिलिटीज हो, बेस्ट अमेनिटीज हो, इंटीरियर्स अच्छे हो, हर आदमी अपनी लाइफस्टाइल को ऊपर करना चाहता है, तो वो हमें एक तरीके से सोचना चाहिए उसकी तरफ भी। तो ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें मिल जाए तो उससे एक और बेनिफिट अल्टीमेटली क्या है, देखिए सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो अगर ये सेक्टर अच्छा चलेगा तो उसके साथ ये पैरेलली लिंक्ड है आपके स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, आपके जो और रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सबको लाभ होगा और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन सबसे ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली आपका जो पैसा है रोटेट होके कंट्री के अंदर ही वापस आना है। सर थैंक यू फॉर योर पॉइंट। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से आज हमें बताया कि रियल स्टेट का कैसा इन्वायरमेंट है। आज हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर हरिंदर ढिल्लों जी, आपको आगे के अपडेट देने के लिए हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए रियलिटी।